नेपाल क्रिकेट टीम की अगर हम बात करें तो तीन चार चीज़ें ऐसी हैं जो टीम के साथ लगातार एज अ कंसर्न जुड़ी हुई है। जी हाँ, उसमें एक बैटिंग है और दूसरी तरफ कभी कभी जो मेन बॉलर्स हैं उनके अलावा बॉलिंग, और अब जैसे संदीप के एब्सेंस में तो बॉलिंग डिपार्टमेंट भी कहीं ना कहीं एक कंसर्न बनकर रह गया है, और कभी कभी कप्तानी कंसर्न हो जाती है, कभी कभी चेज कंसर्न हो जाता है, तो बहुत सारे छोटे मोटे कंसर्न हैं, लेकिन जो मेजर कंसर्न हैं वो आपके सामने जाहिर है। लेकिन एक चीज़ है जो लगातार टीम के साथ एज अ कंसर्न जुड़ी हुई है, लेकिन उस पे जो है काम जो है जो ठीक होने का वो नाम नहीं ले रहा। जी हाँ, वो दो चीजें हैं, एक बैटिंग तो डेफिनेटली है ही है और दूसरी स्क्वाड चेंज। जी हाँ, एक डेनियल ब्रेस्विक है मेरे ख्याल से जो लगातार आईसीसी के लिए आर्टिकल्स लिखते हैं, उन्होंने भी आज से दो राउंड पहले, नेपाल के दो राउंड पहले जब नेपाल के शायद 12 मैचेस करीब हुए थे, उसके बाद एक आर्टिकल आईसीसी का आया था, वहां पर भी उन्होंने कहा था सब टीमों की अपने बताया थी कि कौन सी टीम का क्या हाल है क्या नहीं वर्ल्ड लीग टू में। वहां पर उन्होंने भी कंसर्न्स में जो हेडलाइन उन्होंने लिखी थी वो लिखी थी कि अभी भी नेपाल की जो टीम है इतने मैचेस बाद भी अपनी परफेक्ट स्क्वाड जो है उसे ढूंढने में नाकामयाब रही है। इनकी सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम रही है कि ये बार बार अपने हर टूर में स्क्वाड को चेंज कर रहे हैं, एक परफेक्ट जो प्लेइंग 15 या 16 आप कहें वो अभी तक टीम जुटा पाए नहीं है, तो ये कंसर्न बावा टीम का जुड़ा हुआ है। उन्होंने भी कहा था कि उम्मीद है इस वक्त से ठीक होगा, और ये डेफिनेटली ये क्लियरली दिखता है विजिबल। अगर हम आज इस साल की बात करें, 2022 की चलिए बात कर लेते हैं, लेटेस्ट में अगर हम शुरू करें T20 वर्ल्ड कप ग्लोबल क्वालिफायर से लेकर T20 और ODI दोनों को मिक्स कर लेते हैं, तो अब तक जितने भी टूर हुए हैं नेपाल के टूर, मतलब जितनी सीरीजेस हुई है चाहे होम में हो चाहे बाहर गए हो या क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुके, जितनी भी सीरीज आप आज तक सेप्टेम्बर तक हुई है उसमें लगभग हर बार स्क्वाड चेंज हुआ है, तब तो बिल्कुल हर बार आप ग्लोबल क्वालिफायर जाके देखेंगे एक अलग स्क्वाड, उसके बाद देखेंगे कुछ प्लेयर चेंज, फिर उसके बाद किसी वर्ल्ड क्रिकेट में प्लेयर चेंज, यूएसए गए स्क्वाड चेंज, स्कॉटलैंड गए स्क्वाड चेंज, यहाँ गए स्क्वाड चेंज, वहाँ गए स्क्वाड चेंज, लगातार कुछ ना कुछ प्लेयर्स चेंज हुए हैं। ओवरऑल मिला के एंड कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको इस साल अभी तक चेंज कर दिया गया है, और कितने प्लेयर्स को अंदर बाहर किया गया अभी तक स्क्वाड्स? बिल्कुल 13, ये जो नंबर है 13 तक पहुंच जाता है। जी हाँ, अगर उम्मीद करते कि 3-4 का नंबर रहता, लेकिन ऐसे ही हेडलाइन नहीं बनी है, ऐसे ही कुछ न्यूज़ निकल के नहीं आए, काफ़ी ज़्यादा जो है थे कि जो चिंता भी जताई गई थी, कंसर्न भी था ये नेपाल के लिए, बहुत सारा स्क्वाड चेंज होती है, हमने भी ये कहा था कई बार अपने वीडियो में भी, कई बार कहा है कि बहुत ज़्यादा स्क्वाड चेंज होती है, और उसका ये एक जो नंबर है जो हमें इसी साल देखने को मिला, एक साल और साल हुआ भी नहीं है, बिल्कुल साल भी नहीं हुआ है। जी हाँ, आपने सही कहा कि साल भी कहाँ हुआ है, अब तो सितंबर का महीना चल रहा है, 3 महीने और हैं अभी साल ख़त्म होने में, 3 महीने में तो और चेंज हो जाएगा, लेकिन 13 प्लेयर अब तक यानी कि फरवरी से लेकर अब तक चेंज हुए हैं, सितंबर तक आते आते 13 प्लेयर बदल चुके हैं नेपाल, इन आउट या फिर आउट पूरा। बिल्कुल, आई 13 प्लेयर्स हैं, कौन कौन से, जरा नाम आप जरूर बताएं। बिल्कुल, सागर ढकल जी हाँ पहले नाम बनते हैं, और उसके बाद बात करें नामों की, विवेक यादव है, भीम शार्की है, दिलीप नाथ है, कमल हैरी आपके आ जाते हैं, विक्रम सो इस नाम में शामिल है, अनिल शाह जी हाँ जिनको खिलाया गया था, मैचेस भी खेले थे वो कुछ एक आध बस, और उसके बाद विनोद भंडारी है, सुशांत भारी भी या स्पिनर सुशांत भारी, और अविनाश भोरा, जितेंद्र मुखिया एंड लोकेश बाम, और लास्ट आपके किशोर महतो, जो कि वो तो खैर हम यहाँ पर भी हम काफ़ी बार उनका नाम ले चुके हैं। जी हाँ, उस स्क्वाड में तो रहते हैं लेकिन लगता ही नहीं है कि वो टीम के साथ जुड़े हुए हैं। जी हाँ, डगआउट में कभी कभार दिख जाते हैं बस वैसे, तो इसीलिए 13वां नाम उनका भी यहाँ पर मौजूद हो जाता है। एक और नाम है कुशल मल्ला, उनकी भी बात जरूर करेंगे, तो 14 नाम हो जाते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं चीज़ें जरा ब्रेक करने की कोशिश करूँ, और देखिए यहाँ पर 13 नेम्स हैं जो इस साल बदल चुके हैं, टीम में आए थे अब बैठे हैं, टीम में आए थे और अब बैठे हैं। अब यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ यानी एक तरह से एक स्क्वाड बन जाती है पूरी की पूरी, एक प्लेइंग 11 बन जाएगा यहाँ पर अगर बनाने की कोशिश की जाए, यहाँ पर इनमें से कम 6-7 ऐसे प्लेयर हैं जो किसी वैलिड रीजन के जस्टिफिकेशन के टीम से बाहर। अब आप देखिए यहाँ पर सागर ढकल पहला नाम, उनको मौके कितने मिले, बहुत ही कम, ठीक है, और अगर टीम में खिलाया भी गया तो आपको ये पता है 2-3 ओवर मिले और वो आउट, उसमें अगर वो थोड़े खर्चीले साबित हो गए, उनको सेकंड्स पर लाया नहीं गया। सेकंड
स्पेल थर्ड स्पेल का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है टीम में, वो लगातार देखने को मिलता नहीं है, और इसी का एक जो शिकार हुए हैं वो सागर ढकेल भी हुए हैं। तो प्लेयर नंबर वन सागर ढकेल, बिना किसी वैलिड जस्टिफिकेशन के थोड़े दो तीन मैच मिले और वो बाहर। उसके बाद विवेक यादव, इन्हें तो लगातार इग्नोर किया गया, टीम के साथ जोड़ा भी गया लेकिन इन्हें प्लेइंग मौका, जब मौका मिला तो एक आध मौका दिया गया, उसी से शायद कहने और ऊपर से कोच सर पुराने कोच सर ये भी कहने लगे कि उन्हें हमने बहुत मौके दे दिए, पता नहीं बहुत मौके दिए तो शायद स्टार्ट वगैरह में उदित क्यों नहीं रहे। उसके बाद भीम शाह की, इतने बेहतरीन प्लेयर को आपने स्क्वाड में एक बार लिया फिर निकाल दिया और फिर बिना किसी वैलिड जस्टिफिकेशन के, और ये तीन प्लेयर ये हो गए जो कि बिना बेसिस की वजह से टीम से बाहर हो गए स्क्वाड से अचानक। उसके बाद चौथे प्लेयर की बात करें, कमल है, डेफिनेटली इंजरी उनकी कंसर्न है, उभर रहे हैं लगातार उभर रहे हैं, उम्मीद करेंगे उम्मीद से वो उभरे तो उनको वापस से लिया जाएगा। तो चार प्लेयर ये हो गए लेकिन इसे हम उसमें नहीं जोड़े क्योंकि इंजरी की वजह से बाहर थे। उसके बाद अगले प्लेयर की मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो सुशांत महाराणा, या ये भी एक स्पिनर है, एक सेकंड प्योर स्पिनर लगातार लेकर चल रहे थे। आप सोचिए सुशांत भारी उन प्लेयरों में से है जिन्होंने संदीप लामिचाले के साथ यूएसए के खिलाफ 36 में जो ऑलआउट हुए थे तब से वो टीम के साथ जुड़े हुए हैं। अगर सुशांत भारी को कंटिन्यूसली वहां से अब तक यहां लाया जाता तो मुझे ये लगता डेफिनेटली संदीप लामिचाले कमी खलती लेकिन 50% कम से कम कामयाब रहते हैं। बिल्कुल ये इस बात से मैं बिल्कुल सहमत, आधा तो कामयाब रहते हैं बिल्कुल। अगर आप किसी प्लेयर को मौके दे रहे हैं लगातार और अगर वो अच्छा नहीं कर रहा तब अलग बात है, लेकिन सुशांत भारी ने अपने हिसाब से जितना उन्हें मौका मिला कोशिश की है, करने की कोशिश जरूर की है कि हाँ मैं इकोनॉमिकल रहूँ, मैं संदीप का साथ दूँ, मुझे अगर मौका मिलेगा जरूर करूँगा। लेकिन जैसा आपने कहा मौके मिले, ओवर्स मिले, लगातार मिले, ऐसे नहीं कि दो मैच में मौके मिले, तीन मैचों में बिठा दिया या फिर ओवर ही नहीं दिया, बहुत कम दिया, तो भैया खिलाया क्यों, लाए क्यों जी? हाँ आप ओवर दो, पहले पूरे मौके दो फिर ये बात होगी। तो बिल्कुल सही कहा आपने, सुशांत भाई अब तक खेलते तो बहुत अच्छा हो, नेपाल के जो अभी जो कमी जो की बात कर रहे हैं कमी कोई ऐसा नहीं है बिल्कुल क्लियरली है। अगर आप उस स्पिनर को लेकर अभी तक आते तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ शूज भरने की कोशिश सुशांत भारी जरूर करते, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है जो शायद अब टीम को समझ में आया। तो ये चौथे प्लेयर हो गए, ठीक है। उसके बाद अविनाश बोहरा की बात करें, अविनाश बोहरा टीम में लिया नहीं गया, पहले लिया गया उसके बाद उसका एक्सक्लूड कर दिया गया, एक्सक्लूड में वो रहे नहीं, तो ये एक बहुत बड़ा एक्सक्लूजन था बिना किसी जस्टिफिकेशन किसी बेसलेस रीजन की वजह से उन्हें भी बाहर कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर अगर कहें लोकेश बाम को भी टीम में लिया गया गेम्स के लिए, खिलाया गया उसके बाद उन्हें बाहर कर दिया गया। अगर उन एक दो गेम्स की वजह से डिसाइड करना था, किसी किसी को आठ गेम्स मिल गए, किसी किसी को आठ आठ गेम्स मिल गए बिना किसी परफॉर्मेंस के, और किसी किसी को एक दो गेम्स से सिर्फ इतना डिसाइड कर लिया गया कि वो टीम में रहने के लायक नहीं। किशोर महतो भी, और उसके बाद सातवें प्लेयर आ जाते हैं किशोर महतो, जिन्हें लगातार स्क्वाड में लिया गया लेकिन प्लेइंग 11 में मौका रेयर दिया गया। स्कॉटलैंड गए एक मैच, यूएसए में बैठे रह गए, जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में पूरे मौका नहीं मिला और जिम्बाब्वे के लास्ट गेम में उन्हें थोड़ा मौका जरूर मिला, वो भी रोहित पुड़ैल की कैप्टनसी में। तो ये आप देखिए कि ये 13 प्लेयर्स तो चेंज हुए हुए, इसमें से 7 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्हें जो है बिना किसी वैलिड रीजन के या फिर सिर्फ एक दो गेम के बेसिस पर निकाल दिया गया। इतनी ज्यादा चेंजिंग 24 टीम में होगी, और आप देखिएगा अभी जो क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की राउंड, अगर ये चीजें बेहतर नए कोच सर अब जुड़े हैं, ये सब पहले की बातें हैं, नए कोच सर जो अब जुड़े हैं उनके साथ एक सीरीज हो गई, उन्होंने सब प्लेयर को देख लिया, भाप लिया, समझ लिया, उन्होंने T20 में प्लेयर को देख लिया, वनडे प्लेयर को देख लिया, अब जो नेक्स्ट सीरीज होगी वहां से कोच सर का भी टेस्ट जो है वो शुरू होने वाला है, देखना होगा कि वो किस तरह चीजें करते हैं। उम्मीद है कि वो इन चीजों पर भी गौर करेंगे, ज्यादा चेंजिंग चॉपिंग्स ना हो। एंड एक एग्जांपल आप कह रहे थे कि आपके पास है दूसरी टीमों के मुकाबले अगर हम देखना चाहें, नहीं ये तो ये बहुत मेरे दिमाग में ये पहले से ही था एक्चुअली, जब से ठीक से फॉलो करना हमने शुरू किया एसोसिएट को बिल्कुल 1.5 साल तकरीबन से। लेकिन जो सितंबर में टूर हुआ था ओमान में ठीक से वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 का जब हमने चरण चालू किया, तब से लेकर आज तक टीमें देखी है हमने, यूएसए की, नामीबिया की, स्कॉटलैंड की, यूएई की, आपकी पीएनजी की ओमान की भी बिल्कुल सही कहा आपने। 15 की स्क्वाड है फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, 15 की स्क्वाड है तो उसमें से 11-12 प्लेयर सेम रहते हैं, एग्जैक्टली सेम रहते हैं, उनका परफॉर्मेंस गिरा हो उठा हो वो 11-12 प्लेयर टीम के साथ जुड़े हुए हैं। अगर प्लेइंग 11 की भी बात कर ले तो 6-7 प्लेयर सेम रहते हैं। प्लेइंग 11 की बात करूं अगर यहाँ पर, तो जो आप कह रहे हैं 11-12 प्लेयर जो सेम रहते हैं वो भी जो चेंज भी होता है वो बैकअप प्लान के तहत रखे जाते हैं, बिल्कुल बैकअप प्लान के तहत। लेकिन निपाल टीम में क्या है,
आदत बन गई, ओपनर ही उड़ा दिया, वन डाउन उड़ा दिया, सेकंड डाउन उड़ा दिया, कभी थर्ड डाउन में कोई और बैटिंग करने आ गया, फिफ्थ डाउन में अचानक से कोई बॉलर नहीं है, और फिर मेन स्ट्राइक बॉलर्स कहीं ना कहीं अगर आपको इंजरी हो तो उसके बाद फिर बैकअप प्लान के तौर पर बॉलर नहीं है, यही है बाकी टीमें। अब देखिए आकिब इलियास को एक प्रॉब्लम हुई, उन्हें सर्जरी करना पड़ा, तब उनकी जगह पर आयान खान को कंसिस्टेंस बेसिस पर टीम में मौका मिलने लगा। आकिब इलियास आएंगे तो जब आपको वापस से प्लेयर नदीम वगैरह, उसके बाद कलीमुल्ला, बिलाल खान, और वहां पर बैटिंग आप देखें जिशान मकसूर, लगातार वही खेल रहे हैं, खबर अली, ये सारी खेल रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, बाकी टीम में अगर चेंज होता भी है तो वो सेकंड थर्ड ऑप्शन चेंज होते हैं, लेकिन नेपाल टीम में ओपनर, वन डाउन, सेकंड डाउन, इनके साथ कभी कभी खिलवाड़ कर दिया जाता है, कभी देव खदल आ रहे हैं, कभी इस बार अर्जुन साउथ आ रहे हैं। अब जैसे कि मान लीजिए इस ऑल्टरनेट इंटरव्यू में अर्जुन साउथ गए, बस इसी बात का डर, अफसोस डर है कि कहीं फिर उसकी अगले सीरीज में अर्जुन साउथ बाहर ना हो जाए। यही दिक्कत हो रही है टीम के साथ, जो आप लगातार इतनी चेंजिंग चॉपिंग कर रहे हैं, आप एक स्टेबल टीम नहीं बना पा रहे हैं। अब आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हर बार टीम चेंज होगी वो हर बार नए नए बॉल्स को फेस करके कैसे टीम को रिजल्ट्स की तरफ बढ़ाएगी? एन आपकी एंड बात बिल्कुल, ये इस बात से मुझे एक बात याद आई, हम भी आपस में बात कर रहे थे जब इस चीज को लेकर, ये आपने अच्छा याद दिलाया कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुशल और आसिफ ने काफी बॉलर्स को खेला, फॉर एग्जाम्पल मानिए, और खेला ही है ऑब्वियसली वर्ल्ड क्रिकेट लीग, लगातार वो खेल, जी हाँ लगातार खेल रहे थे, तो उनकी हैबिट बन रही थी, सामने से अच्छा स्कॉटलैंड का ये बॉलर आ रहे हैं, यूएसए के ये आ रहे हैं, ओमान के आ रहे हैं, यूएई के आ रहे हैं, पीएनजी के आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। अब अचानक क्या होता है, अचानक यहाँ पे अर्जुन साउथ की एंट्री होती है, किसी की भी एंट्री अचानक हो जाती है, देव खनल मान लीजिए बाहर हो जाते हैं, पवन शराब को ले लिया जाता है फिर से, मान लीजिए, मान के चलिए। अब यहाँ पर क्या होता है, सामने वाला जो बॉलर है उसे बड़ा एडवांटेज मिल जाता है कि अरे वाह यार ये तो मेरे लिए बड़ा अच्छा हुआ, ये नया बैट्समैन मेरे सामने आया, अब पुराने वाले रहे ही नहीं, जो मुझे जानते थे पहचानते थे वो तो खैर खत्म हो गए, अब मैं इन पर हावी होने का कोशिश करूंगा। और डायरेक्ट है पहला एडवांटेज हमेशा जिंदगी में क्रिकेट में नए बैट्समैन को देखकर हमेशा बॉलर को ही जाएगा, बैट्समैन को कभी पहला एडवांटेज नहीं जाएगा, जब नया बैट्समैन आएगा तो ये बहुत वक्त लगेगा, एडवांटेज बॉलर को ही जाता है हमेशा, वो बाद में अगर आपने डेब्यू में शतक मार दिया, 50 मार दी, वो अलग है, वो सेकेंड एडवांटेज में आ जाता है, लेकिन पहला एडवांटेज क्रिकेट में कभी भी नए बैट्समैन को नहीं जा सकता, हमेशा बॉलर को जाएगा, बॉलर टारगेट कर लेगा कि वाह नया बैट्समैन मुझे मिल गया और उस पर चढ़ूंगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें हैं जो देखने वाली बात होती हैं, तो आप सीधे मेन चीज़ों पर अटैक कर देते हैं, आपके टॉप छः के जो प्लेयर्स हैं वो उसमें से एक प्लेयर गायब हो जाते हैं, कोई और आ जाता है, तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात ज़रूर है। वहीं पर कुशल मल्ला की अगर हम बात करें तो कुशल मल्ला को काफ़ी मौके मिले थे शुरू में, जो हमने देखा उन्हें काफ़ी मौके मिले थे, बहुत मौके मिले थे जिसमें वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया, ग्रैप नहीं कर पाया, उन्हें जिस तरह से अर्जुन साउथ ने इस केनिया के प्लेयर में किया वैसे कुशल मल्ला की तरफ से मिला नहीं। लेकिन एक दिक्कत यहाँ पर यह है कि जैसे ही मान लीजिए मौके नहीं मिले, मौके काफी मिले, उन्होंने खराब खेला, लेकिन दिक्कत यह है कि उन्हें ठीक करने का प्लेटफॉर्म भी नहीं मिलता, कुछ नहीं। बस इसीलिए हम कहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट इतना इंपॉर्टेंट है कि जो लड़के आ रहे हैं अगर वो खराब भी कर रहे हैं तो उन्हें ठीक करने का प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप मैचेस में कहेंगे यहाँ ठीक करो तो यहाँ कहाँ ठीक होगा, यहाँ आपको ठीक करेंगे या मैच जीते, ये दिक्कत हो जाती है। इसलिए उन प्लेयर्स को अगर चीजें ठीक करनी है तो डोमेस्टिक लेवल को स्ट्रॉन्ग करना होगा, तो ये टीम के साथ कंसर्न बहुत जुड़ी है, इसका भी तोड़ नहीं निकाला गया तो इसकी वजह से भी टीम को बहुत ज्यादा परेशानी आने वाले वक्त में होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, डिलीवरी चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो को पसंद आया, कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिए।